2008 में नोएडा शहर को देश भर की मीडिया में सुर्खियों में लाने वाला आरुषि हेमराज हत्याकांड में डाशना जेल में बंद तलवार दंपति के लिए आज का दिन काफी खास और कहीं ना कहीं उन्हें राहत देने वाला रहा। 12 अक्टूबर आज के दिन इस बेहद पेचीदे मर्डर मिस्ट्री में हाईकोर्ट का फैसला आना था। जैसे फैसले की घड़ी नजदीक आ रही थी, नोएडा शहर के वासियों में खासकर आरुषि के पड़ोस में रहने वाले लोगों की सांसें तेज हो रही थी। तकरीबन दोपहर के 3 बजे जैसे ही तलवार दंपति के हक में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो आरुषि के पड़ोस में भी इसका मिलाजुला असर देखा गया। नोएडा के सेक्टर 26 में स्थित जलवायु बिहार के L32 में हुई इस मर्डर मिस्ट्री ने पूरे देश को रोने पर मजबूर कर दिया था। इस केस में CBI ने अपनी जांच में पहले तलवार दंपति को बेकसूर करार दिया, फिर CBI की दूसरी टीम ने इसमें नई जांच कर आरुषि के माता पिता को भी कातिल साबित कर चार्जशीट लगा दी थी, जिससे ये केस काफ़ी उलझ गया। वहीं जब आज कोर्ट ने आरुषि के माता पिता को बरी कर दिया, आरुषि के पड़ोस में रहने वाले लोगों की शंका को समाप्त कर दिया। आरुषि के पड़ोस में रहने वाले आशीष महेश्वरी ने बताया कि कहीं न कहीं देर से ही सही, लेकिन तलवार फैमिली को न्याय मिला है। वो शुरू से ही इस बात को नहीं मानते थे कि कोई माँ बाप अपनी इकलौती बच्ची का इस तरीके से मर्डर कर सकते हैं। वहीं दीपाली का इसके उलट कहना है। उनका कहना है कि पहले भी सबूतों के अभाव में तलवार दंपति को सजा हुई थी और फिर उसी वजह से उन्हें आज बरी कर दिया गया है। नहीं नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डजंट गो इन टू द डिटेल। द सुप्रीम कोर्ट सीज दैट वेदर द कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स हैव फॉलोड द प्रोसीजर्स करेक्टली और नॉट, एंड मोरओवर CBI मे नॉट टेक अप द केस, आई मीन मे नॉट टेक अप द केस इन द सुप्रीम कोर्ट। पेरेंट्स अगर बरी हो गए तो इसका मतलब ये है कि किसी ने नहीं मारा? नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी, not necessary. The court says that they've been, the court does not say, but it implies that they've been punished adequately as far as this thing is concerned, because nobody has seen this happening, that is definite. जी, जो भी कुछ हुआ वो तो बयां करना बहुत मुश्किल है, अंदर घर के अंदर क्या हुआ हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये है ज़रूर, सब लोग यहाँ के कॉलोनी के सब लोग यही चाहते हैं कि आरुषि बहुत ही क्यूट सी मासूम सी बच्ची थी और जिस तरह उसकी हत्या करी गई, जिस तरह मर्डर हुआ, दो और वो भी दो दो मर्डर हुए, तो उनको ज़रूर, हथियारों को, मर्डरर्स को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मैं भी दी गई तो उस वक्त आपको क्या लग रहा था और आप छोड़ दिए गए तो क्या लगा? देखिए, इसमें तो ज़रूर हो सकता है जो जो पुलिस ने जो पकड़ा हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन मैं इसमें ये पुलिस ही ज़्यादा और बेहतर बता सकती है और कोर्ट ही बेहतर बता सकते हैं। नाते ऑब्वियसली बहुत सारी हमको भी उत्सुकता रहती है कि केस में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। सोशल प्लेटफॉर्म पे, कम्युनिटी सेंटर में या आसपास कहीं मुलाकात होती थी इनसे? नहीं, मैं तो ज़्यादा मिली नहीं, मैं यहाँ रहती नहीं थी, लेकिन हमें ये था कि पता काफ़ी कुछ चलता था, लेकिन वैसे यही था कि बहुत अच्छे से रहते थे, अच्छी फैमिली थी, लड़की DPS में थी, बहुत अच्छी थी आरुषि, उसका मेल मिलाप भी सब कुछ अच्छा था, इसलिए आज सबसे ज़्यादा दुख है क्योंकि ये मिस्ट्री सॉल्व ही नहीं। जहाँ आज का दिन आरुषि के माता पिता के लिए राहत भरा रहा, वहीं देशवासियों के जहन में एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। यदि आरुषि के माता पिता दोषी नहीं तो फिर आरुषि का हत्यारा कौन है? देखना होगा कि आने वाले समय में रस खुलता है या नहीं, फिर आरुषि की आत्मा को इंसाफ के लिए अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा।